हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू रिएक्शन वीडियो। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है और उसके स्पेशल कॉमेडी मेम्स आए हुए हैं भाई। और डेडमैन से इस चैनल पर इसे रिएक्ट किया गया है। आइए देखते हैं ये स्पेशल मेम्स कौन कौन से हैं आज, और डेडमैन सेज ने किन किन को सेलेक्ट किया मेम्स को आज रिएक्ट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। पाकिस्तान वालों, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली पप्पा बोल दो ना मैच के पहले। ये मैच में मुंह के बल किसके फिर खाई को पप्पा बोलते हो? What is up guys, इंडिया जीत चुका है। What a win, जो रुलाया है पाकिस्तान को, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव विन। और क्या वो विन प्रेडिक्टर कुछ तो ऐसी चीज होती है जिसमें 92% पाकिस्तान जीतने वाला था, 8% इंडिया जीतने वाला था। यहाँ पे रखते हैं हम विन प्रेडिक्टर को एल पे। आज PG-13 रहूंगा कि नहीं पता नहीं, पर तुम लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। और आज सब लोग बुमराह द गोट का दिखा दिया। जस्ट आस्किंग। ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ इंपैक्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान। भाई देख, इंडिया जीती है बट सबसे पहले तेरा ही रोस्ट होगा। तू है क्यों टीम के अंदर? सीधे सीधे रिंकू सिंह की जगह ढाप ली है, वो कम है तो यशस्वी जायसवाल भी टीम के अंदर डिजर्व करता है। ठीक है बाबा, अभी जस्टिस गैंग के लिए बोलता हूँ, संजू सैमसंग भी डिजर्व करता है। ये भाई किस लिए है टीम में? अगर इंडिया हार जाती ना भाई, ये फ्रेम ये होता फिर आज का थंबनेल। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। डिफेंडर लो टोटल एनी डे, गोट कैप्टन रोहित शर्मा। ये मुंबई इंडियंस की टी शर्ट हटा, इंडिया की टी शर्ट डाल। वी ऑल आर यूनाइटेड, रिमेंबर बॉयज। पिच इन इंग्लैंड, पिच इन न्यूजीलैंड, पिच इन ऑस्ट्रेलिया, पिच इन यूएसए। मेरे को तो लग रहा है फाइनल में ना 70 रन भी बना लेंगे ना, तो भी आराम से डिफेंड हो जाएंगे। बट स्टिल भाई, एक पोजीशन पे थी पाकिस्तान जहाँ से ये लोग आराम से चेस करके जा सकते थे। रिजवान भाई मेरे को खाली एक बता, इतने सारे बॉलर्स टारगेट करने को थे पर वो शॉट तुझे बुमराह को ही खेलना था। आई मीन यू हैड सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, पर तुझे बुमराह को खेलना था, पप्पा को खेलना था तेरे। पाकिस्तान फैंस भी लाइक एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। आज पाकिस्तान ने पप्पा बदल दिए, रोज विराट कोहली होते हैं, जसप्रीत बुमराह को बना लिए। इसी के ऊपर बाबा ने रील डाली है, देखनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ। भाई का आईडिया deadman_v3, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसकी कमेंट मस्त है, बुमराह सेव्ड दुबे's करियर टुडे। खाली दुबे का करियर नहीं बचाए, दुबे की माँ भी बचाई है बुमराह ने। इफ यू नो यू नो, इंडिया के लौंडे कैसे सब लोग को पता है। इसकी मस्त कमेंट, अब बोलो बीसी पड़ोसी और संडे कैसी रही। भाई उनके लिए तो मंडे चालू हो चुका है, टीवी फूट चुके है। इसकी कमेंट देखो, जान में जान आ गई इंडिया की, वरना आ गए थे पिच को गालियां देने। नीचे वाले ने मस्त रिप्लाई दिया है, वो तो अब तुम लोग दोगे। ट्रोल करेगा, औकात है ट्रोल करने की। 6-1, इसको राइवलरी नहीं कहते, इसको जी के ऊपर लात मारना कहते हैं। इसकी मस्त कमेंट है, इमाद वसीम इज इंपैक्ट प्लेयर फॉर इंडिया। मोहम्मद रिजवान भी कह दे, क्या ही ओडीआई वाले इनिंग्स के लिए, मतलब क्रेजी। धन्यवाद। T20 वर्ल्ड कप 2022 15% इंडिया, T20 वर्ल्ड कप 2024 8% इंडिया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इंडिया से गेम छीन के लेके जाओगे ऐसे कैसे मेरे भाई? वो जो 152-0 हुआ था, मैं उस साल भी वीडियो बना के बोला था, दुबई में सिंपल रूल है, ड्यू आएगी टॉस जीतो मैच जीतो। जाके वो दुबई वाला पूरा वर्ल्ड कप छान के देख लो, चेसिंग टीम ही हर बार जीती है। बीट फाइनल, बीट सेमीफाइनल, बीट एनीथिंग। मैं तभी बोला था इट्स अ फ्लूक विन, उसको कहते हैं मेरे भाई फ्लूक विन। ये जो किया है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव विन, नेल बाइटिंग विन। तुम लोग आए थे ना शेर के मुंह में हाथ देने, शेर ने दांत मार ली। इसकी मस्त कमेंट है, हाइप दिस परफॉर्मेंस ऑफ बुमराह एज मच एज कोहलीज एटीट्यूड। एग्जैक्टली भाई, बुमराह को हम अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते जस्ट फॉर दैट 2017 वाला नो बॉल। भाई बुमराह हीरा यार, ऐसा बॉलर नहीं आने वाला फिर से इंडिया के पास, खाओ मां कसम। इनसे 120 रन चेस नहीं हुए थे भाई, इन दोनों के चेहरे देखो। दिस इज आफ्टर इंडिया स्कोर्ड 119 रन। इनको पता था कि ये हम डिफेंड आराम से कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बुमराह है, जलवा है हमारा। हर बार अलग अलग मैच विनर, हर बार नए नए पप्पा। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। मैंने एक गेमिंग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, इसमें हम लोग एक टीम बनाएंगे, पाकिस्तान पप्पाज 11 और एक बाजू यूएसए रखेंगे, इन दोनों के बीच में ना मैच कराएंगे मस्त। उस टीम के सिलेक्शन के लिए वोटिंग करनी है तो टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर इस मैच के ढेर सारे मीम्स भी डाल के रखे हैं मैंने, तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, फटाक से आ जाओ। बुमराह पप्पा ने रुला दिया इससे किससे, लेकिन भाई जान हमारे बॉलर्स 150+ फेंकते हैं। क्या मतलब यूएसए से भी हार गए? उस दिन तो शुक्र मनाओ, मैं थोड़ा देव दर्शन करने गए थे इसलिए बच गए कि रोज स्टूडियो नहीं आया।
तुम लोग ने तो शपथ ही खा के रखी है, ऐसे कैसे डेडमैन का रोस्ट वीडियो नहीं आया? तो ये लो इसके मस्त कमेंट है, कितने टीवी टूटे सांबा, काउंट क्या है बाबर भाई, बाबर भाई आज तो सपना टूटा है, इसकी मस्त कमेंट है। द बिगेस्ट वेल विशर ऑफ बुमराह वुड बी शिवम दुबे आफ्टर द मैच। शिवम दुबे मैं अभी कह रहा हूँ खुद से रिटायरमेंट ले ले, मत रहे टीम में, अगर वर्ल्ड कप गया भाई तू ही पिसने वाला है सबसे पहले। जो हर चीज में परफेक्ट हो वो ऋषभ पंत, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप 2023 में वो जो एक स्मॉल एक्स फैक्टर इंडिया ने मिस कर दिया, वो जो सूर्या भाऊ ने टट्टी जैसी इनिंग्स खेली थी वहां पर ऋषभ पंत खेलने वाला था, ट्रस्ट मी। या फिर जो केएल राहुल ने इनिंग्स खेली थी मे बी वहां पर ऋषभ पंत खेल लेते। द की वी मिस्ड इन वर्ल्ड कप 2023 फाइनल वॉज माई मैन ऋषभ पंत एंड वी हैव हिम नाउ। भाई देखो ऑनेस्टली बताऊ टीम तगड़ी लग रही है, बॉलिंग तो एकदम सेटल लग रही है, सिर्फ एक शमी वही होते सिराज या फिर राजदीप की जगह पे तो अपनी टीम एकदम परफेक्ट हो जाती, और दुबे की जगह पहले तो रिंकू सिंह को लो, फिर मैं बोलता कि हाँ ये टीम है जो वर्ल्ड कप उठा सकती है। पर अच्छा है मैं नहीं बोल रहा, जब मैंने 23 में बोला था तब नहीं हुआ था, अब मैं नहीं बोल रहा, लेट्स सी कुछ रिजल्ट उल्टा पुल्टा होता है क्या। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, माय ब्रो नेवर फेल्स टू डिलीवर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, हार्दिक गॉड पांड्या। देखो मैंने तो आईपीएल में भी क्लियर किया था, मैं अभी हार्दिक भाई को ट्रोल करूंगा क्योंकि आईपीएल का सीजन यहाँ पर चलता है, इट्स ऑल फॉर एंटरटेनमेंट, बट जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा अपन हार्दिक भाई की साइड पे है, और मैं तो भाई कितने बार हार्दिक की साइड लिया हूँ, इट्स मी जिसने हार्दिक की कितने बार साइड ली है, बाकी यूट्यूबर्स ने तो क्या क्या ट्रोल किया भाई, कलर के ऊपर से भी ट्रोल करके रखा है, मुझे पता है अपना बंदा पाकिस्तान के सामने चलता है भाई, हार्दिक पांडे इज अ जेम इन इंडियन जर्सी, वो आईपीएल बीपीएल एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे सोचो, और पाकिस्तान के सामने तो अपने भाई चलते ही चलते है, ही इज द रियल चाचा ऑफ पाकिस्तान, इफ्तिकार तो स्कैम है। बैटिंग कीपिंग, भाई ऋषभ पंत ने जो कीपिंग की है, बैटिंग की तो तारीफ करी थी ऑलरेडी क्योंकि ऋषभ पंत कल 5-6 लाइव्स लेके आए थे खेलने के लिए। ऋषभ पंत ऐसा बंदा है जो एक विकेट नहीं लेके आता अपने साथ, वो 4-5 लाइव्स लेके आता है साथ में, उसको पता है मैं आड़े टेढ़े शॉट मारूंगा, सामने वैसे भी पाकिस्तान है उनको कैच ड्रॉप कर ही देना है। बट लेट्स टॉक अबाउट ऋषभ पंत की फील्डिंग, अगर ऋषभ भाई ऐसे स्पेक्टेकुलर कैचेस ना लेते मे बी ये गेम हम लोग पुल ऑफ ही नहीं कर पाते, तो प्रॉप्स टू ऋषभ पंत। अब अगर जस्टिस गैंग रोई कमेंट्स में या फिर केएल राहुल का कोई बंदा है कमेंट्स में, बंदो तुम लोग जाके उसको संभालो, मैं आज किसी को कोई जवाब नहीं देने वाला, मैं खाली जवाब देने वाला हूँ बाजू वाले देश को, ये लो 2 बोरी आटा। Do you get deja vu भाई? Exactly ये moment मेरे आंखों के सामने आया था, वो अहमदाबाद वाला विकेट, वो exactly ऐसे आंखों के सामने फ्लैश हुआ था भाई यार। विराट कोहली भी एग्जैक्ट वही पे क्यों खड़े होते हैं जब भी बुमराह बॉलिंग करता है, एंड वेन द गोट सेलिब्रेट पाकिस्तान इज अवे की दे आर स्क्रूड। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आइकॉन्स ऑफ क्रिकेट भाई, इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव देम, सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इन दोनों के साथ एक भी ट्रॉफी नहीं आई है कोई मेजर, बट भाई होगा कोई तो साल, भगवान देगा तब छप्पर फाड़ के देगा, जस्ट बिलीव इन देम सपोर्ट देम भाई, होगा कुछ तो होगा, वी बिलीव इन टीम इंडिया, आई स्टिल बिलीव इन माय टीम एंड यू शुड आल्सो बिलीव इन आवर टीम। भाई देखो मुझे बाकी यूट्यूबर्स का पता नहीं, वो लोग वीडियो के लिए वीडियो बनाते हैं कि क्या है उनका सीन, बट मैं मेरे साइड से इतनी क्लैरिटी देता हूँ, मुझे इस गेम से प्यार है, अगर मैं यूट्यूबर ना भी होता तो भी मैं इतनी ही बातें करता इस गेम के ऊपर, और मैं अपनी टीम से इतना ही प्यार करता, तो जो भी वर्ल्ड कप फाइनल में वो भूल जाओ यार, गेट ओवर इट, दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट आवर टीम, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो सेलिब्रेट कर ही सकते, बाकी आगे का देख लेंगे। इफ पांडे द बैटर डजंट गेट यू, पांडे द बॉलर विल, मतलब बैटिंग ना हुआ तो बॉलिंग तो कर ही लेंगे, ये ना सही तो वो सही, मिशनरी ना सही तो 69 सही, सॉरी मम्मी अगर हमारे कोई रिश्तेदार देख रहे हो तो, बट रिश्तेदार हो जो मैंने दो टर्म्स बोले उसका मतलब आपको कैसे पता, मतलब आप भी कुछ तो वहां पे जाते हो, मतलब समझ रहे हो तुम, पकड़ लिया चोर को, बच गया बाबा, चलो आगे बढ़ते। द एक्स फैक्टर अक्षर पटेल, भाई अक्षर पटेल को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि देखो जब मैं मैच देख रहा था ना तब मैं कैलकुलेट कर रहा था, 5 ओवर बचे मतलब एक ओवर कहीं पे तो स्पिनर का या फिर शिवम दुबे को डालना पड़ेगा, मैं खाली दुआ कर रहा था ना जडेजा डाले ना दुबे डाले, इट हैज टू बी अक्षर पटेल क्योंकि बंदे को विकेट मिली थी और कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा था, मैं सिर्फ भगवान को दुआ कर रहा था कि प्लीज रोहित शर्मा को कह दो कि अक्षर पटेल से ओवर करवाए, एंड रोहित शर्मा डिड इट भाई, एंड लेट्स अप्रिशिएट रोहित शर्मा की कैप्टनसी टू, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी क्रेजी कैप्टनसी की है, जो बॉलर्स का रोटेशन किया, जिस पॉइंट पे जिस बॉलर को बॉलिंग के लिए सब कुछ सही से किया, मे बी अगर दुबे कैच पकड़ लेता वो रिजवान वाली और मोहम्मद सिराज के हाथ में वो बाबर वाली कैच चिपक जाती, मे बी हम लोग मैच बहुत कंफर्टेबली जीत जाते, यू नेवर नो, बट इस मैच में ज्यादा मजा आया, वो कंफर्टेबल विन से अच्छा ये वाला विन में प्रेफर करूंगा, पर बापू तेरी बैटिंग बॉलिंग दोनों कमाल छे, जो ओवर डाला बंदे ने डेथ में, इमाद वसीम का बावला बना के रखा था, मराठी लोगों को पता है बावला क्या होता है, तू समझा, देख रहा है विनोद, इसके लिए मुझे स्कोर से बाहर किया गया था भाई, मेरे पास ना एटलीस्ट 60-70 मिनट्स पड़े हैं, वो पीछे पड़े हैं तब के है जब इंडिया ऑलमोस्ट मैच हार चुकी थी, जो फर्स्ट इनिंग्स होने के बाद मीम्स बने थे, तो क्या तुम्हें वो वाले मीम्स देखने जो मैं स्टूडियो, तो भाई मतलब शिवम दुबे पे तो बुरी तरह गाज गिर रही है, सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तू खेल क्यों रहा है, तू है क्यों टीम में,
लेकिन भाई बहुत तगड़ा के बंदा है वो, बनाएगा बहुत रन बनाएगा अभी फ्यूचर में देखना आप, बहुत अच्छा खेलेगा वो। शिवम दुबे ऐसे ही नहीं लिया हमारी टीम में, तो मतलब कमाल ही खेलता है वो, लेकिन अभी चल नहीं रहे। पिच में कौन चल रहा है भाई, कोई भी नहीं चल पा रहा। तो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो जिसमें हमने मेम्स देखे, फनी मेम्स, भारत ने पाकिस्तान को हराया जो वो वाले। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।